Good morning students, today we are going to discuss our topic types of electric traction system. Now in this we are going to discuss about the system of track electrification, yani hamara jo supply hai, kaun sa supply use karke hum track ka electrification karte hai. Usme total 3 part hai. First one hai DC system, second hai AC system and third one hai composite system. अब जो डीसी सिस्टम है उसके अंदर हम डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं. जो एसी सिस्टम है उसको हमने टोटल 2 पार्ट में कैटेगराइज करा है. फर्स्ट है सिंगल फेज एसी सिस्टम एंड सेकंड पार्ट है 3 फेज एसी सिस्टम. अब जो सिंगल फेज एसी सिस्टम है उसको टोटल 2 पार्ट में कैटेगराइज करा है. फर्स्ट है वो है लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम एंड सेकेंड वन है सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम. अब जो 3 फेज एसी सिस्टम है उसके अंदर हम लो फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं. थर्ड वन है कंपोजिट सिस्टम. तो हमारी जो एसी सिस्टम है एंड जो डीसी सिस्टम है उसके जो गुड पॉइंट्स है उसको कंबाइन करके हम एक नया सिस्टम बनाया है, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट सिस्टम. अब जो कंपोजिट सिस्टम है इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट है वो है सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम और उसको हम बोल सकते हैं कांडो सिस्टम. एंड सेकंड है सिंगल फेज एसी टू डीसी सिस्टम. ओके तो उसमें अब हम फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट वन है डीसी ट्रैक्शन. तब डीसी ट्रैक्शन में क्या किया जाता है कि ये जो लाइन है वो है हमारी मेन लाइन जो 132 केवी या 33 केवी की होती है. ये जो वोल्टेज होता है वो बहुत हाई वोल्टेज होता है. तो उसमें से ये जो है वो ट्रांसफार्मर है. ये ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा तो 132 केवी में से 1500 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर देगा. ओके अब यहाँ पे ये जो सर्किट यूज़ करी गई है वो है फिल्टर सर्किट. तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेक्टिफायर फिल्टर का यूनिट है पूरा. तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमने 1500 वोल्ट में ट्रांसफार्मर ने जो स्टेप डाउन करा वोल्टेज उसको वो डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा. ओके जो रेक्टिफाई यूनिट है वो डीसी में उसको कन्वर्ट करेगा और जो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा उसको फिल्टर सर्किट होगी वो प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगी. उसके बाद जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो डीसी वोल्टेज फीडर के थ्रू लाइन में मिलेगा और वहाँ से कैटेनरी यानी कि करंट कलेक्टिंग जो इक्विपमेंट होगा उसकी मदद से ट्रेन में जो हमारी मोटर्स है उसको मिलेगी. ओके तो हमारा जो जो डीसी है डीसी ट्रैक्शन सिस्टम उसमें ऐसे एसी में से डीसी सप्लाई मिलता है. अब जो डीसी सिस्टम होता है उसके अंदर 2 टाइप के वोल्टेज यूज़ होते हैं. एक होता है 1500 वोल्ट. जो 1500 वोल्ट होता है वो ट्रेन में यूज़ होता है 1500 वोल्ट डीसी जो ओवरहेड लाइन से पेंटोग्राफ या करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट को मिलता है और वो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट की मदद से जो ट्रेन में जो मोटर्स होती है उसको वो रन करती है. सेकंड वोल्टेज होता है वो है 600 टू 750 वोल्ट डीसी. ये जो वोल्टेज है वो मोस्टली हम ट्रामवेज एंड ट्रॉली में यूज़ करते हैं. जो डीसी सिस्टम होती है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. उसमें एडवांटेजेस कौन कौन से है तो जो डीसी ट्रैक्शन है उसमें डीसी सीरीज मोटर होती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा टॉर्क देती है. सेकंड है कि जो ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट होते हैं वो डीसी ट्रैक्शन में कम होते हैं यानी कि ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट इज़ लो. थर्ड वन क्या है कि जो कॉपर लॉस है वो कम मिलेगा हमें. ओके क्यों, क्योंकि जो डीसी सप्लाई होता है उसमें फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती नहीं है और जो कॉपर लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो इसलिए कॉपर लॉस हमें बहुत कम मिलता है. एंड फोर्थ वन है कि जो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन होता है डीसी मोटर का वो हाई होता है कंपेयर टू एसी मोटर. तो ये है उसके एडवांटेजेस. नाउ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. तो डिसएडवांटेजेस उसके क्या क्या आएंगे, तो डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट वन आएगा कि उसका जो शॉर्ट, अगर हम डीसी ट्रैक्शन को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे तो वो बहुत इकोनॉमिक है. बट अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सब स्टेशन होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे.
अब जो डीसी वोल्टेज अपन यूज़ कर रहे हैं, तो जो डीसी वोल्टेज है उसको हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, ओके। और जो ट्रांसमिशन लॉस होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप विल बी वेरी हाई फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है कि अगर डीसी ट्रैक्शन सिस्टम है, इसके अंदर हम लोग क्या करें, तो रेक्टिफायर अपने देखा कि रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एसी ट्रैक्शन सिस्टम में हमारे पास टोटल टू टाइप है, एक है सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी ट्रैक्शन सिस्टम, एंड सेकंड वन है सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन सिस्टम। अब जो एसी ट्रैक्शन होता है उसके अंदर हम जो वोल्टेज रेंज यूज़ करते हैं वो है 25 केवी 50 हर्ट्ज, और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें हम दो टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं हम 16 2/3 यानी कि 25 हर्ट्ज, और जो सेकंड होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। अब जो सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम होती है उसमें क्या होता है कि ये जो है वो है ओवरहेड वायर, वहाँ पे जो ओवरहेड लाइंस होती है इसके अंदर हमें 132 केवी जितना हाई वोल्टेज मिलता है, तो वहाँ से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको 25 केवी में वोल्टेज को डाउन करते हैं, यानी कि वी स्टेप डाउन द वोल्टेज अप टू 25 केवी। अब यहाँ पे जो एसी मिलेगा उसको हम प्योर एसी में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में ये जो होगा सप्लाई वो मोटर को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग एसी ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसे जो मोटर यूज़ करेंगे वो होगी हमारी एसी सीरीज मोटर, ओके। नव यहाँ पे जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको लो फ्रीक्वेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं, और वो यूज़ करते हैं हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की मदद से, यानी कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की मदद से हम जो ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है उसको लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अब जो लो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हम लोग कंडेंसर यूज़ करते हैं, जिसका जो कनेक्शन होता है वो ट्रैक्शन मोटर के थ्रू दिया जाता है। अब जो उसका जो न्यूट्रल होता है यानी कि जो नेगेटिव पाथ है वो ट्रैक के थ्रू दिया जाता है, और बाद में जो पॉजिटिव होता है वो हम लोग मोटर को देते हैं। अब यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं मोटर, ओके, तो ये जो मोटर यूज़ होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर लॉस होता है वो रिड्यूस होता है, एंड जो लो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से इम्पीडेंस ड्रॉप होता है वो भी रिड्यूस होता है, और उसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि जो सब स्टेशंस होते हैं उसके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो इंक्रीज होता है, ओके ओके। नाउ सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी ट्रैक्शन सिस्टम, सो इन सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन सिस्टम वी आर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 2500 टू 3000 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। This type of traction system is used for the mines because in mines harmful gases are produced, and जो high frequency होता है वो आग produce होने नहीं देता है, इसलिए हम mines में high frequency AC traction system use करते हैं। अब electrification तो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर high frequency generator का use करते हैं, दो condenser के through पावर सप्लाई को ओवरहेड जो लाइंस होते हैं उसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम एक एनर्जी रिसीवर का यूज़ करते हैं जो एनर्जी को रिसीव करेगा ओवरहेड लाइन में से, एंड बाद में रेक्टिफायर की हेल्प से ये जो सप्लाई है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये जो सप्लाई है वो हम मोटर को देंगे। अब जो निगेटिव सप्लाई होता है मोटर का वो हम ट्रैक के थ्रू प्रोवाइड करते हैं।